गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगी रहती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो, मुझे येलो वाली और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक के थैलियों में भरा करता था। बलदेव की एक रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम्स बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। एक रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा, मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा बिकती है। हाँ हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दे। अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो, सोच लो बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी, काका कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को दो पेप्सी के पैकेट्स थमा दिए। वो बच्चा वही खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री, जाकर अपने दोस्तों को भी बताना मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और पवन का ये फंडा काम कर गया। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी दो ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे तीन लाल वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने की वजह से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा, पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन के दुकान पर पेप्सी के लिए भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, अब तो मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है, कोई भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं, तू तो जानता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी ही होगी। अब एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे, आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए
और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए, सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान दिखेगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे, अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है, वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं, जो हानिकारक है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गाँव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी के बाद गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था और थक हार के पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।